दोस्तों स्वागत है मेरे इस नए से वीडियो में। अभी हम हैं माथेरान हिल स्टेशन पे और इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। हॉर्स राइड्स के रेट्स क्या चल रहे हैं, आपको अगर हॉर्स राइड करना है तो आपको क्या पे करना है, जो टांगा है यहाँ पे, जो आपको टांगा आपको लेके जाता है आपको उसका कितना पे करना है, होटल्स के रेट क्या चल रहे हैं, लॉज के रेट क्या चल रहा है, इस वीडियो में आपको हम पूरी डिटेल्स देंगे। तो अभी हम आ चुके हैं नेरल रेलवे स्टेशन के बाहर। जैसे आप नेरल रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे आपको राइट हैंड साइड में यहाँ से आपको शेयरिंग कैब्स मिल जाएगी जो आपको माथेरान पे छोड़ेगी। आपको शेयरिंग कैब्स के चार्ज पे करना है 100 रुपीज़ पर पर्सन और ये आपको माथेरान के गेट पर लेके जाती है। तो चलते हैं हम अभी माथेरान के मेन पॉइंट पर। दोस्तों जैसे अभी हम आ चुके हैं मेन गेट की ओर, जो रास्ता है आपको मेन गेट पे लेके जाएगी। आप जैसे मेन गेट पे आओगे तो आपको यहाँ से मेन गेट का एंट्री मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से टिकट्स लेना है, जैसे हमारी कैब यहाँ पे ही ड्रॉप की थी, हमको स्ट्रेट चल के आना है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको टिकट्स काउंटर मिल जाएगा। टिकट काउंटर का जो रेट है यहाँ पे मेन गेट का आपको चार्ज पे करना है, अडल्ट्स के 50 रुपीज़ और चिल्ड्रन के 25 रुपीज़ आपको पे करना है। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके टिकट आपको फेंकना नहीं है, टिकट वापस लेके आना है, कभी भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे, तो दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी ऑफ माथेरान। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको होटल्स कहाँ पर लेना है, लॉज के रेट्स क्या चल रहे हैं, फूड्स है क्या नहीं यहाँ पर, और ट्रेन के रेट क्या है, हॉर्स के रेट क्या है, जो यहाँ पे टांगा चल रहे टांगा का आपको कितना पे करना है, जो टांगा से आपको जो आदमी खींच के लेके जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना है इनको 600 to 2000 रुपीज़। और जो हॉर्स है यहाँ पे हॉर्स खड़े तो आपको हॉर्स के पे करना है 600 to 3000 तक आपको हॉर्स राइड के पे करना है। जो हॉर्स राइड है आपको ये पूरा घुमाएंगे यहाँ से माथेरान स्टेशन तक। तो अगर आपको ये हॉर्स राइड भी नहीं करना है, अगर आपको ट्रेन की जर्नी करनी है तो ट्रेन की भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। तो हम जाते भी आ चुके हैं माथेरान रेलवे स्टेशन की ओर। तो वेलकम टू माथेरान का आप जैसे बोर्ड देखोगे तो आपको जस्ट आगे आप आओगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में अमन लॉज का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। जो रेलवे स्टेशन है छोटा सा रेलवे स्टेशन है, तो आपको यहाँ पे देखो रेट्स भी मिल जाएगी, टिकट काउंटर यहीं पर है। जो टिकट्स के रेट्स आपको पे करना है, फर्स्ट क्लास का 350 रुपीज़, नॉर्मल क्लास का 45 रुपीज़, और यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग भी मेंशन किया है, जाने का टाइम और वापस रिटर्न के टाइम। तो जैसे आप टिकट ले लोगे तो आपको सीधा चल के आना है, जैसे मैंने टिकट नहीं लिया है ठीक है, तो हमको स्ट्रेट आना है यहाँ से। जैसे स्टेशन के आप आओगे तो आपको वेलकम टू माथेरान देखेगा, तो अमन लॉज का स्टेशन है यहाँ पर। तो आपको यहाँ से देखो ये ट्रेन जा रही है, अभी मैंने टिकट नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर अभी सेकेंड क्लास की टिकट अवेलेबल नहीं थी, फर्स्ट क्लास के टिकट्स के रेट है 350 रुपीज़ ठीक है। तो हम यहाँ से अभी चल के जाएंगे, जैसे पटरी है यहाँ से आपको कुछ 20 से 25 मिनट का ये रास्ता होगा ठीक है। हम चल के इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ से जो लुक है, जो वेदर चल रहा है आज का, ये पूरा क्लाउडी वेदर था, तो काफ़ी लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं, तो हम भी चल के वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर आना है तो बजट में कहाँ रहना है, आपको सस्ता खाना कहाँ मिलेगा, और यहाँ पे अभी जो मॉनसून का वेदर चल रहा है तो ट्रेन चल रही है कि नहीं, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पूरी इस वीडियो में। तो मैं घर से सिर्फ 1000 रुपीज़ लेके निकला हूँ और इस 1000 रुपीज़ में मैं पूरा कवर करूँगा इस वीडियो को। तो गाइस प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। देख पा रहे हो पहला कैंटीन यहाँ से, जैसे आप स्टेशन के बाहर होगे तो आपको पहला कैंटीन मिल जाएगी, जैसे आपको पानी की बॉटल सिप मिल जाएगी। तो हमको स्ट्रेट जाना है, तो ये लॉजेस अवेलेबल आप देख रहे हो लॉज है सब, तो ये जो लॉज के रेट है 500 to 800 रुपीज़, तो आपको ये लॉज भी मिल जाएगी। आप स्टेशन के अमन लॉज के स्टेशन से थोड़ा चल के जाओगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होगा आपका लेके। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टे करना आप स्टे कर सकते हो, नियर ट्रैक पे ही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा और चल के जाओगे तो आपको माथेरान स्टेशन के यहाँ पर काफ़ी लॉज मिल जाएंगे। तो देखो ये भी बहुत सारे लॉज है यहाँ पर लॉज मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पर 400 to 500 में लॉज मिल जाएंगे। आप कैमरा में पता ही नहीं चल रहा है लेकिन ये पूरा फॉगी वेदर है, मुझे यहाँ से आगे का भी नहीं दिखाई दे रहा प्रॉपरली, देखो पूरा फॉगी वेदर है ठीक है। और देखो जब रास्ते से आओगे तो आपको ये रास्ते से लेके आएंगे, तो यहाँ से आपको घोड़े जो यहाँ से और आपको यहाँ से ही लेके आएंगे और ये आगे जाके रास्ता यहीं पर ख़त्म होता है। तो माथेरान का डेस्टिनेशन यहीं से स्टार्ट होता है गाइस,
अगर आप नए हो वीडियो में तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइस आपको मैं रास्ता दिखा रहा था, यहाँ से जा रहा था, ठीक है। देखो यहाँ से लोग जाते हैं स्ट्रेट, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से, तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं ट्रैक के ऊपर आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे होटल्स यहाँ पे, मतलब स्नैक्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी स्टोर्स है, जनरल स्टोर्स यहाँ पे है। तो ये ट्रैक के सामने, तो ट्रैक के ऊपर से जैसे आना है, तो यहाँ पे बारिश कभी भी आती है कभी भी जाती है। तो आप ये देख पा रहे हो पूरा मैप है माथेरान का, तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कौन से पॉइंट जाना है। और आगे बढ़ गए तो यहाँ पर आपको लंच और डिनर के लिए रूम्स आपने मिल जाएंगे, फूड्स मिल जाएंगे। तो हम और आगे बढ़ते हैं और आपको इस इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप देख पा रहे हो माथेरान का मेन, आई लव माथेरान। तो जैसे माथेरान स्टेशन आ चुके हैं, तो दोस्तों जैसे आप स्टेशन के बाहर आओगे तो आपके पहला होटल मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये होटल्स आप यहाँ पे भी स्टे कर सकेंगे, थोड़ा कॉस्टली होटल होगा, बजट के बाहर होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप और सीधा आगे स्ट्रेट आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे बजट में। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारे पहला पॉइंट है माधव जी पॉइंट, तो हम बढ़ते आगे। पहला गार्डन है, पहला पॉइंट है हम जो कवर करेंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी लेके जाएंगे, पहले पॉइंट देखते हैं कैसा पॉइंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट होगा माधव जी पॉइंट, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम देख रहे हैं कुछ क्लाउडी वेदर है, तो कुछ सीन नहीं दिखाई दे रहे यहाँ से, तो आप देख पा रहे पूरा क्लाउडी है। तो हम जाते हैं आगे के पॉइंट पर। तो माधव जी पॉइंट हमारा कवर हो चुका है, लेकिन कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सनसेट पॉइंट है आई थिंक। तो यहाँ से हमको नीचे जाना है, ये पॉइंट कवर करके हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कौन से पॉइंट्स पे जाना है अभी, ठीक है। तो गाइस वीडियो पर बने रहना, वीडियो पूरा देखना। आप आ चुके हैं सनसेट पॉइंट की ओर। तो गाइस अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप संभाल के उतरना, यहाँ पर पूरा स्लीपी है। और आप देखो चढ़ाने पूरा चढ़ान उतारते हुए आपको नीचे आएगी, ठीक है। तो ये स्लीपी है, बारिश के टाइम आप संभाल के आना है यहाँ पे। तो जैसे दोस्तों आप सामने पहाड़ देख पा रहे हो, तो यही पहाड़ से आपका सनसेट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप भी कोई पहाड़ है, अगर सनसेट देखने आ रहे हो तो आप 6 बजे देख के आप चले जाना, 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट है नहीं और यहाँ पर स्लीपी है। तो आप यहाँ पर देखना, वो देखो सामने पहाड़ है, आप यहाँ से देखना सनसेट और आप चले जाना। तो गाइस हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए यही रास्ता है जहाँ से हम आए थे, आपको बताया था स्लीपी रास्ता है, तो गाइस संभाल के जाना है आपको। तो अभी जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट अभी हम बताएंगे क्या आ रहा है। तो गाइस वीडियो पर बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस वीडियो में। जैसे आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है। तो पहला रास्ता हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम एक पॉइंट कवर करके वापस हम रिटर्न आएंगे ए रास्ते पर। गाइस अगर यहाँ सीधा सीधा है, जैसे मैं स्ट्रेट बताया, ठीक है, स्ट्रेट आप आओगे तो यहाँ पे दो पॉइंट्स देखेंगे आपको, एक पॉइंट यहाँ पे जाता है, एक पॉइंट यहाँ पे जाता है। तो पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ आपको कौन से पॉइंट्स पे जाना है। तो पॉइंट्स के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप ऐसे जाओगे तो इको पॉइंट्स आएगा, पुलिस स्टेशन का रास्ता है, लुजिया पॉइंट, ये हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट, ठीक है, आपको ऐसे जाना है। तो दो रास्ते सेम रास्ते पर ही जाते हैं, लेकिन एक यहाँ से आप जाओगे तो आपको घूम के यहीं पर आना है, और यहाँ पर ऐसे जाओगे तो आपको स्ट्रेट पूरा घूमने मिल जाए। तो यहाँ से आपको नियर बाय होगा सब पॉइंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे आपको रास्ता बता दिया, यहाँ से पॉइंट्स, और यहाँ से दो रास्ते हैं आपको, तो यहाँ से एक रास्ता जाता है, यहाँ से रास्ता जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है जो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा। तो आप यही रास्ते से सीधा जाना तो आपको यहाँ पे से सब बाजू में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है राधे रिसोर्ट करके, तो आप स्ट्रेट ही जाना है आपको, स्ट्रेट रास्ते पर आपको सभी 6 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्ट्रेट हम जाते हैं आगे पॉइंट्स की ओर। गाइस अगर आप अभी यहाँ पे पहुँचोगे तो स्ट्रेट आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक रास्ता दिखेगा, जैसे आप मैं इस रास्ते से आया,
ठीक है, आपको ए रास्ते से आना है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए रास्ते पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, श्री परशुनाथ मंदिर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये रास्ते में कौन से पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, एक है चार्ली लेक, ठीक है, फिर यहाँ पे काफ़ी चील पॉइंट है, फिर लुसिया पॉइंट है, परशुनाथ मंदिर है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट जाना है, आप यहाँ से आओगे तो आपको जाना है ए वाले रास्ते पे। तो इस रास्ते पे आपको मैं और पॉइंट्स बता तो आपको कहीं से जाना है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट स्टेप की ओर, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इको पॉइंट, लेक व्यू पॉइंट और सिलिया लेक। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और रिटर्न जाने की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में। जो सामने है लेक है पूरा, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट आओगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रेटली सुपर जाना है, तो ऊपर आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम एक पॉइंट के यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप जैसे आओगे तो आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे थाली मिल जाएगी, प्योर वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा। कौन सा है यहाँ पे पॉइंट, कौन सा है? लेक पॉइंट है सामने, लेक पॉइंट। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लेक पॉइंट की ओर। तो ये लेक पॉइंट का नज़ारा देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया रहेगा वहाँ पे। तो ये लेक पॉइंट है पूरा। तो अभी काफ़ी हवा चालू है और बारिश तेज चालू है, तो पब्लिक कम है आज यहाँ पे। गाइस मानसून का मज़ा ही अलग है, अब मज़ा जो देख रहे हो ना, अलग ही मज़ा। आप पीछे देख रहे हो बादल ऊपर आ रहे हैं पूरे, ठीक है, और व्यू ही अलग आया पूरा यहाँ पे। तो मैं एक टाइम लैप्स लेता हूँ यहाँ के वीडियो के लिए, ठीक है, हम देखते हैं क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। मतलब जो व्यू है ना, एकदम अलग सा ही व्यू बना हुआ है पूरा, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि पता नहीं, लेकिन जो आप व्यू देख रहे हो, हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है हवा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं लेक पॉइंट की ओर। तो ये लेक पॉइंट है, और जैसे आप ये देख नीचे उतरोगे तो आपके लेक पॉइंट का पूरा नज़ारा मिलेगा। यहाँ पे देखो पब्लिक बहुत सारी शावर कर रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपसे सामने वाला ब्रिज है, आपको सिलिया ब्रिज के पास लेके जाएगा। सिलिया पॉइंट भी आपको यहाँ से बाजू में ही है, ठीक है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं सिलिया पॉइंट की ओर। तो ये देखो नज़ारा है काफ़ी अच्छा सा। आज काफ़ी मानसून थी, आज बारिश का था सीज़न, तो काफ़ी मॉर्निंग से बारिश ज़्यादा ही हो रही थी। तो सिलिया पॉइंट के लिए जाने के लिए आपको ब्यूटीफुल सा ब्रिज क्रॉस करना होगा। तो आपको स्ट्रेट चल के जाना है सिलिया पॉइंट के। सिलिया पॉइंट हार्डली कुछ 100 से 200 मीटर होगा। देखो हवा देख पा रहे हो, बारिश बहुत ज्यादा है, बारिश ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है जाने के लिए। आप यहाँ से ऊपर से आओगे तो आपको स्ट्रेट जाना है यहाँ पे, तो बारिश के कारण अलाउ नहीं, यहाँ पे बंद करके रखा है इन्होंने। देखो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो दो रास्ते यहाँ पे भी आ जाएंगे फिर से, तो आपको ए रास्ते पे जाना है। ए रास्ते के पॉइंट्स के नाम यहाँ पे लिखा है, पॉइंट्स के नाम क्लियर तो है नहीं, तो ये सब पॉइंट्स के नाम है। तो आपको ए रास्ते पे जाना है, ए रास्ते पे नहीं जाना है, तो स्ट्रेट जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गाइस जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको इको पॉइंट का रास्ता होगा, सीधा इको पॉइंट के लिए जाएंगे हम। ये जो रास्ता है इको पॉइंट के लिए जाता है, हम ऊपर से आए थे, ठीक है, यहाँ से आए थे, आपको यहाँ पे जाना है इको पॉइंट के लिए। तो गाइस ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा इको पॉइंट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे इको पॉइंट के, यहाँ पे पब्लिक है, रेस्टेड इको पॉइंट के लिए जगह ही है पूरा। तो दोस्तों जो इको पॉइंट का नज़ारा था काफ़ी अच्छा सा नज़ारा था। ये पूरा क्लाउडी वेदर था, विजिबिलिटी कम थी, और जो पहाड़ों से पानी बह रहा था बहुत ब्यूटीफुल था ये। तो यहाँ का इको पॉइंट का जो जगह था वो काफ़ी अच्छा था। तो हमारा पॉइंट यहीं पे एंड होता है। तो अब अभी आगे वीडियो में आपको और डिटेल्स बताते हैं, आपको जो हम आए थे अब जाने का भी रास्ता आपको इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे इस वीडियो में। तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस देखो अभी हम ए पॉइंट से आए, यहाँ पे आए और जाने के टाइम ए पॉइंट से हम गए थे, ठीक है, और आए थे यहाँ से। तो यहाँ से हम सीधा गए थे और यहाँ से हम रिटर्न आ रहे हैं।
तो यहाँ से स्टेशन है कुछ अराउंड 1 किलोमीटर। देखो यहाँ पे लंच आपको मिल जाएगा, वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको जो चीज़ आपको रिजनेबल रेट पे यहाँ पे मिल जाएगा। जो स्टॉल्स लगे यहाँ पे, ये स्टॉल्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू इस टाइम टू से बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।